भारत में सीरियल किलिंग के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा कांपने लगता है। सीरियल किलर शब्द का इस्तेमाल 1966 में सबसे पहले किया गया था। अलग अलग घटनाओं में दो या दो से अधिक कत्ल की सीरीज को सीरियल किलिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह एक मानसिक विकृति से पीड़ित शख्स अपनी संतुष्टि के लिए यदि मर्डर को अंजाम देता है तो वो सीरियल किलर कहलाता है। सीरियल किलिंग का मुख्य मकसद मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। क्रोध, रोमांच, वित्तीय लाभ और ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकतर सीरियल मर्डर किए जाते हैं। मशहूर शोधकर्ता स्टीव एगर ने इनकी 6 विशेषताएं बताई है। कम से कम 2 हत्याएं, हत्यारे शिकार में कोई संबंध नहीं, हत्याओं के बीच सीधा संबंध, अलग अलग स्थानों पर हत्याएं, पीड़ितों की समान बातें, लाभ की बजाय संतुष्टि के लिए हत्या। सीरियल किलिंग की 5 बड़े मामले। नोएडा का निठारी कांड। 2007 में नोएडा के निठारी कांड से सुरेंद्र कोहली का खूंखार चेहरा लोगों के सामने आया था। इसे इत्तेफाक ही कहिए कि जब कोहली अपने गुनाहों के लिए जेल में बंद था तब एक दूसरे शैतान के निशाने पर ये मासूम थे। ये शैतान रविंदर ही था जिसने साल 2008 में रेप और कत्ल की पहली वारदात को अंजाम दिया। 6 साल तक वो वारदातों को अंजाम देता रहा और 7 साल बाद उसके वहशी चेहरे से पर्दा उठ ही गया। पत्नी के लिए मासूम बच्चियों से रेप। सीरियल किलिंग की इस खौफनाक घटना का खुलासा जुलाई 2015 में हुआ था। मथुरा का रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की दिमागी हालत ठीक करने के लिए न सिर्फ 4 नाबालिग लड़कियों का रेप किया बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। पुलिस की पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि उसके निशाने पर कुल 7 बच्चियां थी और ये सब उसने एक तांत्रिक के कहने पर किया था। सपने में बाबा ने कहा, बड़ा बनना है तो मर्डर करो। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग लड़के को पकड़ा जिसने महज 3 दिन में 2 हत्याएं की थी। पुलिस को शक था कि 2 कत्ल में कहीं ना कहीं इसी का हाथ है। उसे पकड़कर उसका मुंह खुलवाया तो जो हकीकत सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। उस बच्चे के मन में अमीर बनने की सनक पैदा करके उसको गुनाह का रास्ता दिखाने वाला एक बाबा निकला जो उसके सपनों में आता था। लूटपाट के दौरान कर दी 8 लोगों की हत्या। पंजाब के लुधियाना में 3 साल पहले एक मोस्ट वांटेड सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने 8 लोगों की हत्या की बात कबूली थी। पुलिस ने उसे शिमलापुरी से गिरफ्तार किया था। बलविंदर सिंह नाम के सीरियल किलर ने लुधियाना में 3, अमृतसर में 1, आगरा में 2 और मथुरा में 2 मर्डर किए थे। सभी हत्याएं लूटपाट की नीयत से की गई थी। इसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली थी। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की जिंदगी पर फिल्म मैं और चार्ल्स बनी थी। इस फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रणदीप ने पिछले महीने नेपाल जाकर चार्ल्स शोभराज से मुलाकात की। वो काठमांडू जेल में बंद है। 72 साल के चार्ल्स को जब पता चला कि उसकी जिंदगी पर फिल्म बन रही है तो वो काफी खुश हुआ।